नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर इंदौरी फ्लूटिस्ट। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि बांसुरी कैसे पकड़ते हैं। बांसुरी पकड़ने का जो सही तरीका है, एकदम परफेक्ट, जिस तरह मैं पकड़ता हूँ उसी तरह आपको बताऊंगा, और जिस तरह सभी फ्लूटिस्ट पकड़ते हैं उस तरह बताऊंगा। कुछ क्या करते हैं आप में से कुछ फ्रेंड्स किस तरह पकड़ते हैं वो भी बताता हूँ। देखिए, शुरू में आप अगर बिगनर्स हैं, कोई किस तरह पकड़ता है, ऐसे पकड़ते हैं कोई, ये देखिए ऐसे, उनको क्या होल क्लोज करना रहता है, इकल्ले क्लोज बच जाएगी अब ना, ऐसा नहीं है। सही तरीका क्या है वो बता देते हैं। वी बनाना है आपको, कैसे वी, ऐसा। तो ऐसे में क्या करना है, फर्स्ट यहाँ से क्लोज होना चाहिए, सेकंड यहाँ से, थर्ड यहाँ, देखिए, ओके ओके। एंड नीचे की जो तीन होल्स है वो ऐसे क्लोज होने चाहिए थोड़े ही टेढ़े में, ताकि बिग फ्लूट हो वो भी आप पकड़ सकें। और ये सी स्केल की है, इसकी मीडियम साइज रहती है, जो ऑल फ्लूटिस्ट शुरू में सीखने के लिए खरीदते हैं। आप भी अगर खरीदना चाहते हैं तो सी शार्प या सी नेचुरल खरीदेगा। तो इस तरह पकड़ना है आपको, देख लीजिए एक बार, हाँ देखिए। और इससे क्या, अंगूठे को जो है थोड़े दूरी पर रखिएगा, और ये आपकी लास्ट वाली फिंगर ऐसे, ताकि एकदम पकड़ा जाए। और ये सेकेंड हाथ की उंगली है वो ऐसे रखना है, और जो अंगूठा है अपने का थंब उसको थोड़ा दूरी पर रखना है, और जो मिडिल फिंगर है उसको ऊपर उठा सकते हैं या फिर ऐसे नीचे। तो देखिए आप, ये एकदम ओपन क्रॉसिंग बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है। अब इससे क्या है, यहाँ पे एकदम थोड़ा टाइट करिएगा, और होंठ से हिलना नहीं चाहिए, अगर एकदम यूं ये हिलना नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे हिला लो चाहे, लेकिन इधर से हिलना नहीं चाहिए, होंठ पे एकदम कड़क टाइटली होना चाहिए बस। है ना, बढ़िया तरीका, इस तरह से पकड़ना है आपको। अगर आपको बांसुरी में फूंक मारना नहीं आती, इसकी वीडियो में पहले भी देख चुका हूँ, तो आप चैनल के आई बटन पर जाइए और जल्दी से देखिए फूंक किस तरह मारते हैं। चार स्टेप्स बताएं, ये बहुत अच्छी है, फोर्थ स्टेप सबसे स्पेशल है, उसको ज़रूर सीखिएगा। और बने रहिए मेरे चैनल पर, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आने वाली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा। धन्यवाद, आपका दोस्त इंदौरी फ्लूटिस्ट जितेंद्र माली।